हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सब लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे इस वीडियो के अंदर हमें किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। यूपीएससी की तैयारी कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। वीडियो को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले थोड़ा बहुत अपने बारे में बता दूँ। आप में से बहुत से लोग नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं कि क्या आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, क्या फिर आपने एग्ज़ाम निकाला है। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं निकाला तो ये आप जानकारी क्यों बता रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं, मैंने अभी तक तो एग्ज़ाम निकाला नहीं है और जब निकालेंगे तब आपको बताएंगे। लेकिन अगर मैं आपको जानकारी बता रहा हूं तो इसके अंदर आपको कोई भी ऐसी जानकारी नहीं बता रहा हूं जो बिल्कुल भी गलत हो। किसी भी परसेंट, किसी भी एक लेवल पर भी आपको जानकारी गलत नहीं मिलेगी। मैं आपको जो भी जानकारी बता रहा हूं, मेरा जो अनुभव है इस फील्ड का और मुझे जहाँ तक पता है, मैं आपको इतना तो बता ही सकता हूं कि तैयारी को शुरू कैसे करना है। क्योंकि जो गलतियाँ होती है यूजुअली एस्पिरेंट सेम गलती करता है और उस गलतियों को मैंने देखा है। उस गलती को अगर आप नहीं करते हैं तो आप एक तैयारी को अच्छी तरीके से शुरू करते हैं और अगर आप अच्छी शुरुआत करते हैं तो अच्छे मुकाम तक भी पहुंचते हैं, ऐसा मेरा मानना है। चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात, तैयारी को शुरू कहाँ से करना है। क्या कोई स्पेशल पॉइंट है, क्या एक स्पेशल बुक है उसको खरीद कर हम तैयारी को शुरू कर सकते हैं? तो इसका कोई भी आंसर नहीं है। तैयारी को आपको ऐसा नहीं, यूपीएससी की तैयारी की किसी एक बुक से शुरू होती है। यूपीएससी की तैयारी आपको ओवरऑल अपने पर्सनैलिटी के साथ में शुरू करनी रहती है। अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट है जिसको यूपीएससी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको तैयारी शुरू करने से पहले जो सबसे पहला स्टेप फॉलो करना है वो ये है कि आपको टॉपर्स के ब्लॉग पढ़ने शुरू करने हैं। आप टॉपर्स के वीडियो भली मत देखिए पर टॉपर्स के ब्लॉग जरूर पढ़िए। ब्लॉग आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? अभी रिसेंटली मैंने आपको 2-3 टॉपर्स के ब्लॉग आपको चैनल पे दिखाए थे। आप चाहे तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, जहाँ पर मैं आपको टॉपर्स के ब्लॉग वहाँ पर पेस्ट करता रहता हूँ, वहाँ पर बताता रहता हूँ। ब्लॉग पढ़ने का फ़ायदा क्या है? यूजुअली क्या होता है, कोई टॉपर्स किसी कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो वो किसी और कोचिंग के प्लेटफॉर्म, किसी और कोचिंग के रिसोर्सेज के बारे में खुलकर नहीं बता पाता। ये एक थोड़ा सा बाउंडेशन रहता है उनके साथ में, तो आपको एक कहीं ना कहीं पूरी सारी जानकारी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप किसी टॉपर का ब्लॉग पढ़ते हैं तो ब्लॉग में क्या होता है कि वो सारी जानकारी को मेंशन करता है कि उसने कहाँ से कौन से रिसोर्सेज पढ़े थे, कौन सी मैगजीन को पढ़ा था। ये सारी जानकारी आपको उनके ब्लॉग से देखने को मिलती है। बाकी एक जो ब्लॉग होता है उसके अंदर होनेस्टी भी रहती है, क्योंकि उसको पता है कि ये ब्लॉग डायरेक्ट स्टूडेंट पढ़ेंगे। तो ट्राई कीजिए टॉपर के ब्लॉग पढ़ना शुरू कीजिए। अब सबसे बड़ी गलती जो एस्पिरेंट करता है, टॉपर्स के इंटरव्यू के वीडियो। इंटरव्यू कौन से? जो मॉक इंटरव्यू के वीडियो होते हैं। आप ये सोचते हैं कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो आप ऐसे ही आंसर देंगे। दोस्तों, इंटरव्यू से पहले जो सबसे बड़ा स्टेज आपके पास में है वो है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए। इंटरव्यू के अंदर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि एक वीडियो करीब 40 मिनट का होता है और डेली के अगर आप 2 वीडियो देख रहे हो तो 80 मिनट आप रोजाना के खराब कर रहे हैं। हाँ, कभी कभार आप थोड़ा सा मोटिवेट नहीं है, कभी कभार डिमोटिवेट है तो देख लीजिए, अच्छी बात है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको टॉपर्स के वीडियो देखने हैं। टॉपर्स के वीडियो देखकर अपनी स्ट्रेटेजी को बनाना है, अपने बुक लिस्ट को फॉलो करना है। सबसे बड़ी गलती जो एक सबसे कॉमन सवाल मैं देखता हूँ जो आप हमेशा करते हैं, और उस सवाल को आपको नहीं करना है। किसी को भी आपको ये सवाल नहीं पूछना है कि यार बुक लिस्ट बता दो मुझे। मैं यूजुअली देखता हूँ जो भी न्यू एस्पिरेंट होते हैं कमेंट करते हैं कि बुक लिस्ट भेज दो। बुक लिस्ट आप किन से पूछ रहे हो? जब आपके पास में टॉपर के ब्लॉग है तो आप खुद देखिए ना। एक गलती जो एस्पिरेंट करता है वो ये है कि मार्केट जाके डायरेक्ट सारे बुकों को खरीद लेना। ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। सबसे पहले टॉपर के वीडियो देखिए। टॉपर के वीडियो देखने के बाद में अपनी स्ट्रेटेजी को बनाइए। स्ट्रेटेजी को बनाने के बाद में किसी एक सब्जेक्ट की बुक को उठाइए, हिस्ट्री को उठाइए, हिस्ट्री की एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कीजिए। आप सोच रहे होंगे ये तो सारे लोग बताते हैं, लेकिन मैं क्या थोड़ा सा डिफरेंट बता रहा हूँ। मैं थोड़ा सा ये बात डिफरेंट बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। एनसीईआरटी को आपको कैसे पढ़ना है? अगर आपका थोड़ा बहुत बेसिक है तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप 11th 12th की एनसीईआरटी को पढ़े, फिर डाउन स्टेप उतरिए। ऐसा नहीं कि आप पहले 6th की पढ़े, 7th की पढ़े, 8th की पढ़े, 9th की पढ़े, 10th की पढ़े, 12th की पढ़े। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आप कम से कम 6 महीने में भी एनसीईआरटी खत्म नहीं कर पाएंगे। एनसीईआरटी को अगर आपको 3 महीने में पढ़ना है तो आप 11th 12th पहले, फिर 10th, फिर 9th, फिर 7th 6th, ऐसा पढ़िए। आप इस हिसाब से एनसीईआरटी को पढ़िए, आप एनसीईआरटी को जल्दी फिनिश करेंगे। अब बात रहती है स्टैंडर्ड बुक्स की, क्या आपको स्टैंडर्ड बुक्स उठाकर पढ़नी है? स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़नी है, लेकिन उससे पहले आपको पढ़ना है वो है एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी है। कुछ एक सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी लीव कर सकते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए आप जो शुरुआत के एनसीईआरटी है उनको चाहे तो आप लीव कर सकते हैं, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। साइंस के लिए आप एनसीईआरटी को लीव कर सकते हैं अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो। बात रहती है स्टैंडर्ड बुक की, स्टैंडर्ड बुक आपको कब खरीदनी है? जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री की एनसीईआरटी आपने कंप्लीट पढ़ डाली, उसके बाद में आप किसी एक स्टैंडर्ड बुक को उठाइए, विपिन चंद्रा उठाइए चाहे स्पेक्ट्रम उठाइए, और फिर उसको पढ़ना शुरू कीजिए। साथ साथ में आपको क्या करना है और क्या क्या गलतियों से बचना है। यूजुअली एस्पिरेंट जब तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ी गलती करता है एनसीईआरटी के लिए क्लासेज देखना शुरू कर लेता है। दोस्तों, एनसीईआरटी बच्चों के पढ़ने की चीज़ है, उसके लिए भी आप बार बार क्लासेज देखेंगे तो आप कितना टाइम वेस्ट करेंगे। ट्राई कीजिए कि जब कोई आपको सब्जेक्ट बिल्कुल समझ में नहीं आए तो थोड़ा बहुत देख ले, लाइक शुरुआत में देख ले कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, उसके बाद में खुद पढ़िए। अपने बैठने की हैबिट को बनाइए। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन में एक बुक को लेके बैठे हैं, 2 घंटे बैठे हैं,
कभी आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में आप ट्राई करेंगे एक स्पेशल शेड्यूल बनाने की। आप सोच रहे होंगे ये सारी जानकारी आपको पता होगी, पूरा वीडियो देखेंगे कुछ एक नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगी। आप सोच रहे होंगे कि आप ऐसे ही पढ़ लेंगे, अगर आप शेड्यूल नहीं बनाएंगे, डेली बेसिस पर टास्क नहीं बनाएंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप किसी भी माध्यम से UPSC को क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्लियर करना है तो सबसे पहले सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हो जाइए और डेली बेसिस पर शेड्यूल बनाइए, NCERT को पढ़ना शुरू कीजिए। NCERT के बाद में मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था UPSC की तैयारी को फ्री में कैसे कर सकते हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं जहाँ से आपको अच्छे अच्छे टीचर्स के बारे में जानकारी मिलेगी, यूट्यूब पर आपको कहाँ से अच्छे लेक्चर मिल सकते हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी, तो उसको आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको एक अच्छे तरीके से जानकारी देखने को मिल जाएगी, टीचर्स की जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो आप जैसे कि हिस्ट्री पढ़ने लगे, हिस्ट्री में आपको दिक्कत है तो उस वीडियो में जो टीचर बताए हैं वहाँ से आप उनके डाउट को सॉल्व कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। ये सारी जानकारी उनके लिए हैं जो कोचिंग ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, और जो कोचिंग ज्वाइन करने वाले हैं उनको तो मैं कहूँगा आप अभी से वीडियो लीव कीजिए, क्योंकि कोचिंग में ये सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। मैं आपको जो जानकारी बता रहा हूँ ये इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि जो कोचिंग का एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। अब बात रहती है ऑप्शनल। यूजली एस्पिरेंट सबसे बड़ी गलती करता है ऑप्शनल को लेते वक्त, ऑप्शनल लेता है वो दिसंबर के बाद में लेगा तो सोचता है कि तीन महीने में ख़त्म करेगा तो प्रीलिम्स छूट जाता है और एक साल की साइकिल बढ़ जाती है। ऑप्शनल को आपको कैसे भी करके अक्टूबर नवंबर तक ख़त्म करना है, कैसे भी करके, तो इसका मतलब आपको अगस्त सितंबर तक ऑप्शनल का चुनाव करना है और उसके ऊपर काम करना शुरू हो जाना है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ऑप्शनल को लेकर। बात रहती है क्वेश्चंस को लेकर। एक सबसे बड़ी गलती एक मैं देखता हूँ जो न्यू एस्पिरेंट करता है वो ये है कि यूजली हम जो पढ़ते हैं उसके लिए हम क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं, और ये बात बोली जाती है कि UPSC आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, मतलब आपके क्या बोलते हैं टाइमिंग का टेस्ट नहीं है, आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस लगा सकते हैं उसका टेस्ट नहीं, आपके नॉलेज का टेस्ट है। मैं इस बात को बखूबी मानता हूँ, लेकिन जो प्रीलिम्स डे बाय डे जितना हार्ड होता जा रहा है उसके अनुसार अगर आप डेली बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। आपको करना क्या है, कोई भी पुरानी टेस्ट सीरीज उठाइए, कोई भी किसी भी कोचिंग की PDF आपको हर जगह पे मिल जाएगी। ट्राई कीजिए कम से कम आप 50 क्वेश्चंस डेली के लगाए, 50 नहीं तो 30 क्वेश्चंस लगाइए। उससे क्या होगा कि आपको लगभग बहुत सारे फैक्ट याद होने लगेंगे। डेली के 30 क्वेश्चंस लगाएंगे तो एक टाइम के बाद में आपको कितने क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, कितने फैक्ट याद हो जाएंगे, और यही फैक्ट आपको मेंस के आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। याद रखिएगा इन छोटी छोटी चीज़ों को। एक सबसे बड़ी गलती आपको जो नहीं करनी है वो ये है कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को नहीं लगाना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप सबसे बड़ी गलती करेंगे। आप जब तैयारी को शुरू करते हैं, ये बात मैं मुझे आपको सबसे पहले बतानी थी, NCERT को खरीदे उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर की बुक खरीदनी है। कौन सी बुक खरीदनी है, दो बुक आप कंसिडर कर सकते हैं, या तो आप न्यू विशाल की खरीदें या फिर दिशा पब्लिकेशन की खरीदें। दिशा पब्लिकेशन मुरनाल सर की बुक है, अच्छी बुक है, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। उस बुक को लाइए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री का अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले उस चैप्टर को खोलिए, उसके क्वेश्चंस को देखिए। क्यों, उस क्वेश्चंस को देखने के बाद में आपको एक चीज़ पता चलेगी कि NCERT में मतलब UPSC में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। जब आप NCERT पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे कि हाँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे कि ये वॉर किस ईयर में लड़ा गया था, बल्कि पूछा क्या जा रहा है कि ये वॉर क्यों लड़ा गया था, क्या सिग्निफिकेंट था, इसका क्या रिजल्ट था, उसके बारे में क्वेश्चंस आ रहा है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तभी आप आपके पढ़ने की स्ट्रेटेजी को तरीके से बना पाएंगे। एक और बात, UPSC को पढ़ते वक्त सबसे बड़ी गलती न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ना, ये आपके सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती है। न्यूज़पेपर को सबसे पहले खरीदिएगा, पढ़ना शुरू कीजिएगा। और एक बात, अगर आप शादी में जरूर आना, एस्पिरेंट वेब सीरीज या फिर कुछ ऐसी धुआंधार वीडियो देखकर अगर आप UPSC की तैयारी में आ रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी तैयारी को करने से पहले कुछ एक बुकों को खरीदिए, सिलेबस को उठाइए, उसको पढ़िए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक छोटा सा मोटिवेशन देख के गए मार्केट, गए 9,000 की बुकें उठा के लेके आए, 9-10,000 की मार्केट वालों को आप अच्छे से इकोनॉमिक रूप में हेल्प करेंगे पर आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा नुकसान में डालेंगे। ट्राई कीजिए किसी एक सब्जेक्ट को उठाइए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, मोटिवेशन के साथ में जब एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए ऑटोमेटिक मार्केट जाएंगे, उसको ला के पढ़ेंगे। कभी भी ऐसा मत कीजिए कि एक साथ में सारी बुकें ला के घर पर रख दें, क्योंकि एक साइकोलॉजी ऐसी बात बोलती है कि जब एक साथ में बुकें पास में होती है तो पढ़ने का मन कम करता है। इसी कारण आपने देखा होगा कि जब कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग वाले क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही हैं उसी की आपको बुकलेट प्रोवाइड की जाती है। यूजली एक दो बुकलेट ही प्रोवाइड की जाती है, एक साथ में आपको कभी प्रोवाइड नहीं होती। इसका सिर्फ एक ही कारण रहता है कि वो चाहते हैं कि जितनी कम बुकें हो उतनी जल्दी आप ख़त्म कर पाए। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। सभी सब्जेक्ट के लिए आपको सभी बुकें नहीं पढ़नी है, जैसे कि गवर्नेंस है, कुछ एक छोटी छोटी बुकें होती है, बोल सकते हैं IR बोल सकते हैं, सिक्योरिटी बोल सकते हैं, सोसाइटी बोल सकते हैं, इनके लिए आप बल्कि बुकों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा।
अभी मैंने 2-3 टॉपर के साथ में टॉपर टॉक डाले थे, उनको देखिएगा उन्होंने क्या पढ़ा था। यूजुअली टॉपर बताते हैं किसी कोचिंग के नोट्स को वह पढ़ते हैं, तो कोचिंग के नोट्स को आप भी पढ़ सकते हैं, PDF आपको आसानी से मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आपको सारी जानकारी वहाँ पर मेंशन मिलेगी। इन छोटी छोटी जानकारी को साथ में लेकर चलेंगे तो आप आपकी तैयारी को शानदार तरीके से पूरा भी करेंगे, तैयारी को एक अच्छे तरीके से बनाएंगे। टाइम टेबल को जरूर बनाएगा। टाइम टेबल बनाने का अर्थ कभी भी यह नहीं है कि 7 बजे उठ के आपको क्या करना है, 8 बजे उठ के क्या करना है। टाइम टेबल बनाने का अर्थ यह है कि दिन में आपको किस स्लॉट में क्या पढ़ना है, किस स्लॉट में आपको क्या पढ़ना है। स्लॉट का मतलब सुबह 7 से लेकर 12, फिर 1 से लेकर 5 बजे का टाइम ले सकते हैं, फिर 7 से लेकर 10 या 12 बजे तक का टाइम ले सकते हैं। तो इस टाइप का आप शेड्यूल बनाइए, उसके अंदर अपने आपको डालिए। एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगा, जब भी आप पढ़ने बैठे तो अपने साथ में एक स्टॉप वॉच रखिए। जब भी आप पढ़ने बैठे तो स्टॉप वॉच को ऑन कीजिए, जब भी आप पढ़ के उठे तो स्टॉप वॉच को ऑफ कीजिए। और आप पूरे दिन में जब पढ़े तो उस टाइम को नोट कीजिए कि आप आज कितने घंटे पढ़े। यूजुअली एस्पिरेंट के मन में एक डाउट रहता है कि वो पूरे दिन पढ़ रहा है, उसको लग रहा है कि पूरे दिन पढ़ के उसने 12 घंटे पढ़ाई कर ली है, लेकिन ऑल ऑफ द डिस्कशन जब रिजल्ट निकलता है वो इतना निकलता है कि आप दिन के 3-4 घंटे भी ढंग से नहीं पढ़ पाते। और ये सारी जानकारी आपको एक स्टॉप वॉच के माध्यम से देखने को मिलेगी। स्टॉप वॉच अपने पास में रखिए, स्टॉप वॉच के माध्यम से आप आपके टाइम को नोट करते जाइए। डे बाय डे अपने टाइम को भी थोड़ा बहुत बूस्ट कीजिए, अपने आप को पढ़ने के लिए बूस्ट कीजिए और अपनी तैयारी को शानदार बनाइए। ये जो छोटी छोटी जानकारी बता रहा हूँ, अगर आप इनको इंप्लीमेंट करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। क्योंकि ये छोटी छोटी जानकारी को मैंने अपने स्तर पर नहीं बनाई है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कोई ईजाद की है। ये सारी जानकारी मैंने भी कहीं ना कहीं पढ़ी है, मुझे भी किसी सीनियर ने बताई है। ये स्टॉप वॉच वाली जानकारी मैंने एक मोटिवेशनल बुक 12th फेल पढ़ी थी, उसके अंदर ये जो लास्ट में टिप्स बताई गई थी कि जब भी आप पढ़े तो एक स्टॉप वॉच को साथ में लेके पढ़िए, ताकि आपके मन का जो ये झूठा भ्रम है ना वो बाहर निकले कि आज आपने कितने घंटे पढ़ाई की है। जब तक आप 6-7 घंटे 8 घंटे तक अगर पढ़ाई नहीं करें तो तब तक आपको उठना भी नहीं चाहिए। 8 घंटे का मतलब ये वाला 8 घंटे जो स्टॉप वॉच के माध्यम से हो। अपनी पढ़ाई को कभी भी घंटों में नहीं तोलना चाहिए, पर आप जैसे जैसे देखेंगे यार रोजाना 8 घंटे थोड़ी ना पढ़ना है, कभी थोड़ा टाइम को भी बढ़ाना है, कभी टाइम कम भी होगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी तैयारी शानदार बनेगी। डेली बेसिस पे अपने आपको टास्क दीजिए और अपनी तैयारी को शानदार बनाइए। छोटे छोटे टास्क पूरे करेंगे तो एक दिन बहुत बड़ा टास्क पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में न्यू एस्पिरेंट को डेफिनेटली हेल्प हुई होगी। कुछ एस्पिरेंट को नेगेटिव कमेंट करने का मन हुआ होगा तो आप कर सकते हैं, आपका स्वायत्तता है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी जरा सी भी हेल्प की है तो एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा है लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।